नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत में पहले दिन 191,000 लोगों को लगा टीका। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू हो गया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। इसके साथ ही पहले दिन 191,181 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। पहले चरण में अग्रिम मोर्चों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को टीका की पहली खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 3,351 सत्र में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया। वैक्सीनेशन ड्राई में दो तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड सभी राज्यों को दिया गया है, वहीं कोवैक्सीन को 12 राज्यों को दिया है। झारखंड के लोगों को 2 से 3 दिनों के बाद ठंड से राहत मिलेगी। बता दें, 18 से 19 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक आकाश साफ रहेगा। झारखंड में पहले दिन 3200 को लगा टीका। देशव्यापी कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत झारखंड में पहले चरण के पहले दिन शनिवार को 3200 हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया गया। बता दें, राजधानी रांची के सदर हॉस्पिटल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग झारखंड की ओर से 4800 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नहीं मिला टीका लगवाने की मंजूरी, मंत्री नाराज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना वायरस का टीका लेने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य कर्मी मानने से इनकार कर दिया है। बता दें, पूरे देश की तरह झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। कोरोना वायरस का वैक्सीन आते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि स्वास्थ्य कर्मियों के संशय को दूर करने के लिए वे कोरोना का पहला टीका लेंगे, पर उन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी नहीं दी है। सड़क के किनारे लावारिस वाहन छोड़ने वालों की खैर नहीं। राजधानी में सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में वाहन छोड़ने वालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी। बता दें, इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर ट्रैफिक SP अजीत पीटर ने शुक्रवार को कार्रवाई की जिम्मेदारी सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और लालपुर कोतवाली, लोअर बाजार हिंदपीढ़ी और सुखदेव नगर थाना प्रभारी को दी है। कार्रवाई के लिए ट्रैफिक SP ने आदेश भी जारी कर दिया है। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़, एक ग्रामीण की मौत। लातेहार जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। बता दें, घटना लातेहार जिले के गारू प्रखंड क्षेत्र की है। बताया गया कि इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। इसके अलावा एक महिला को भी गोली लगने की सूचना है। बताया गया कि महिला पत्ता चुनने के लिए जंगल गई हुई थी, इस दौरान वह गोलीबारी की चपेट में आ गई। पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जंगल में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिलने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान मुठभेड़ हुई, घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। वैक्सीन के नाम पर आपको लूट सकते हैं साइबर क्रिमिनल, रहे सतर्क। साइबर क्रिमिनल अब कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के नाम पर आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। बता दें, साइबर क्रिमिनल फर्जी पोर्टल बनाकर कोरोना वैक्सीन का होम डिलीवरी का लालच आपको दे सकते हैं। साथ ही आपको विश्वास में लेकर आपके गोपनीय दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। इस कारण झारखंड की गुमला पुलिस की साइबर सेल ने राज्यवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन। राजधानी रांची में शनिवार को जूनियर इंजीनियर एवं लेखा लिपि कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। बता दें, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से रास्ते को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वह अपनी मांगों को लेकर सरकार के मंत्री और सचिव से मिलेंगे। पुलिस ने समूह बनाकर प्रदर्शन करने को गैर कानूनी मानते हुए मार्च की अनुमति नहीं दी। बता दें, इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकाझोंकी हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इसमें कुछ लोगों को हल्की चोट आई है। झारखंड में 119 नए कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 71, बोकारो से 1, धनबाद से 10, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम 15, गुमला 1, जामताड़ा 2, कोडरमा 1, लातेहार 2, लोहरदगा 5, पलामू 4, रामगढ़ 2, सिमडेगा 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। बता दें, पूर्वी सिंहभूम से 1 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1050 है। वहीं झारखंड में 1249 सक्रिय केस हैं। भारत में 15,050 नए मरीज मिले हैं। वहीं कुल मौत की संख्या 152,311 है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 205,811 है। झारखंड के इन जिलों में लगा इतने लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन।
रांची 80, पूर्वी सिंहभूम 134, पश्चिमी सिंहभूम 120, सरायकेला 120, बोकारो 173, चतरा 141, देवघर 113, धनबाद 126, दुमका 116, गढ़वा 160, गिरिडीह 160, गोड्डा 140, गुमला 150, हजारीबाग 146, जामतड़ा 100, खुट्टी 70, कोडरमा 139, लातेहार 168, लोहरदगा 114, पाकुड़ 100, पलामू 166, रामगढ़ 140, साहिबगंज 110, सिमडेगा 110। लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाए। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेसियों ने किया विरोध। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान को रांची में विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें, झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाया और नारेबाजी की। प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में हिस्सा लेने रांची पहुंचे हैं। बता दें, उनके काफिले को नहीं रोका गया है। एयरपोर्ट से निकलकर राजभवन जाने के दौरान हिनू चौक के समीप कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफिले को हिनू चौक के समीप काले झंडे दिखाकर विरोध किया। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामला। रांची में हरमू बाईपास रोड पर 4 जनवरी को किशोरगंज चौक के समीप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी की जांच पूरी हो गई है। बता दें, 2 दिनों के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी में भूमि निबंधन एवं राजस्व विभाग के सचिव के सोन व IG अखिलेश कुमार झा शामिल हैं। उच्च स्तरीय जाँच कमेटी की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीएम के काफिले पर हमले की कोशिश में सुरक्षा संबंधित हर स्तर पर चूक हुई है। दिल्ली में लूटा गया 1 करोड़ का सोना, गिरिडीह में ट्रेन से बरामद। दिल्ली से लूटा गया करीब 1 करोड़ रुपए का सोना गिरिडीह में डाउन कालका हावड़ा मेल के एक कोच से बरामद किया गया। बता दें, सोने के साथ ही RPF ने घेराबंदी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 1 किलो 800 ग्राम सोने के जेवर, 1000 रोमानिया डॉलर और 1 अमेरिकी डॉलर बरामद किया गया है। रामगढ़ में 130 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगा टीका। रामगढ़ जिले में COVID-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बता दें, वैक्सीन कार्य के पहले दिन रामगढ़ और मांडू प्रखंड में 130 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया गया। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम चौधरी ने बताया कि सदर अस्पताल रामगढ़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच COVID-19 वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। दुमका मेडिकल कॉलेज में लगा टीका। फुलोझानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में COVID-19 का वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत की गई। बता दें, पहला वैक्सीन शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर कुमार बागीस को लगाया गया। मौके पर DC राजेश्वरी बी ने बताया कि जिला के 2 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सरैयाहाट प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ हुआ। पूजा हत्याकांड का 72 घंटों में होगा उद्भेदन, DGP। मेडिकल कॉलेज हजारीबाग की छात्रा पूजा कुमारी हत्याकांड का उद्भेदन 72 घंटों के अंदर में पुलिस कर देगी। बता दें, हजारीबाग और रामगढ़ जिले के SP के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच भी अंतिम चरण में है। इस बात का दावा DGP MB राव ने किया है। शनिवार को वे रामगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने DIG अमोल बेनुकांत होमकर, हजारीबाग SP कार्तिक S, रामगढ़ SP प्रभात कुमार के साथ बैठक की। हजारीबाग में BSF का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हजारीबाग के BSF मेरू कैंप से कोडरमा स्टेशन जा रही BSF की गाड़ी शनिवार को NH 33 हजारीबाग 1 आश्रयणी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में 6 जवान सवार थे, इनमें 3 को चोट आई है। बता दें, वाहन दुर्घटना की सूचना के बाद वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु से आए एक अधिकारी को पहुंचाने BSF के जवान कोडरमा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। सरना धर्म कोड। झारखंड में सरना धर्म कोड आदिवासियों की मांग पर नहीं बल्कि ईसाई मिशनरियों की मांग पर विधानसभा से पारित कराया गया। बता दें, पिछले वर्ष 19 सितंबर को अंडमान निकोबार, नागालैंड व मध्य प्रदेश के मंडल जिले से ईसाई मिशनरियों के फादर झारखंड के आर्चबिशप फेलिक्स टोपो के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर मिलते हैं और चुनाव में किए गए वादों को याद कराते हैं। बता दें, उनसे सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कराने की मांग करते हैं। इसके बाद 11 नवंबर को आधे घंटे में विधानसभा से इसे पारित कर दिया गया। यह सब अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत को टुकड़े करने की चाल है। इसके लिए झारखंड की धरती पर षड्यंत्र रची जा रही है। परंतु ईसाई मिशनरी कान खोलकर सुन ले कि हमारा समाज पाहन पुजारी से चलेगा।
वेटिकन सिटी से नहीं। उक्त बातें जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संदीप उराव ने कही। वे केंद्रीय युवा सरना विकास समिति के नेतृत्व में सरना धर्म कोड के खिलाफ रांची के कांके प्रखंड में आयोजित एक दिवसीय धरना को संबोधित कर रहे थे। लालू यादव से लिपट कर रो पड़ी बेटी चंदा यादव। चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता रायत सुप्रीमो से शनिवार को उनकी तीसरी बेटी चंदा यादव ने मुलाकात की। बता दें, पिता से मिलने के क्रम में बेटी चंदा 3 घंटों से अधिक देर तक उनके साथ रही। पिता की गिरती सेहत को देख वह बेहद भावुक हो गई। बताया गया कि वह पेइंग वार्ड में इलाजरत पिता से लिपट कर देर तक रोती रही। बाद में लालू ने चंदा को संभाला, उसे भरोसा दिया कि वे ठीक हैं, जल्द ही जेल से छूटकर घर आएंगे। 2337 हाई स्कूलों की फिर से होगी साफ सफाई। राज्य के 2337 हाई और प्लस टू स्कूलों में फिर से साफ सफाई अभियान चलेगा। बता दें, 21 दिसंबर से स्कूलों को खोलने के पूर्व साफ सफाई का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्कूल संचालन के दौरान निरीक्षण में साफ सफाई गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फिर से साफ सफाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी RDDE, DEO और DSE को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल के कमरे के हिसाब से मजदूरों की संख्या और दिन निर्धारित किए हैं। 50 आवासीय विद्यालयों की होगी सैंपलिंग। सूबे के आवासीय विद्यालयों की सैंपलिंग होगी। बता दें, यह कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को आयोग की तरफ से पत्र भेजा गया है। इसके लिए 50 आवासीय विद्यालयों का चयन किया गया है जो झारखंड प्रदेश के दूरगामी क्षेत्रों में अवस्थित है। बता दें, आवासीय विद्यालयों की सैंपलिंग के तहत विद्यालयों की स्थिति, बच्चों की स्थिति व अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सैंपलिंग कार्य 22 जनवरी से शुरू होगा जो करीब 1 माह तक चलेगा। पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराना झारखंड सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक लंबे वैश्विक महामारी के दौर में आज देश को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन मिल गई है। आज यह वैक्सीन हमारे राज्य में भी प्राप्त हुआ और इसकी शुरुआत सदर अस्पताल रांची से हुई। उन्हें उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण जैसे वैश्विक महामारी में यह कोरोना टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी वैक्सीनेशन सेंटर में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सभी सेंटर सुचारू रूप से चले, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। गुमला SP ने किया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। गुमला के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन आम जनता और पुलिस के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बता दें, वे एक और अपराध, उग्रवाद व नक्सलवादियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर आम आदमी का विश्वास जीतने तथा जनता और पुलिस के बीच बेहतर रिश्ते बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश का सकारात्मक परिणाम भी निकल कर सामने आ रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान। वाहन चलाने पर नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें, बिना हेलमेट और मास्क पहनने वाहन चलाने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार सड़क दुर्घटना भी हो रही है। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग दुमका ने तय किया है कि 1 महीने तक सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल के बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे। थैंक यू।